गाइस कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो हैं बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस आज जो है आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि सी पैनल के ऊपर जो है आप किस तरह से वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं और वर्डप्रेस के बैक इंस्टॉल करने के बाद उसका जो बैक पैनल है उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। और फिर धीरे धीरे जो है हम उसके अंदर पूरा इंस्टॉलेशन करेंगे। मैं आप लोगों को पेड थीम्स जो हैं उसके ऊपर किस तरह से कस्टमाइजेशन करा जाता है वो सारी चीजें भी जो है आने वाले वीडियोस के अंदर आपको मिलेंगी। सो यहां पर जो है आज मैं आपको सिर्फ वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करने दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मनजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मनजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। तो चलिए चलते हैं सीधा लैपटॉप स्क्रीन पे और वहीं चल के देखते हैं। सो गाइज यहाँ पे जो है ये मेरा सी पैनल है मेरी ऑफिशियल वेबसाइट का। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको बता दूं, मैं सब डोमेन blog.nirankarinfotech.com पे जो है अपलोड करके दिखाने वाला हूँ किस तरह से इसके अंदर इंस्टॉलेशन किया जाता है। तो यहां पर जो है इंस्टॉलेशन करने के लिए अभी कोई भी इंस्टॉलेशन इसके अंदर नहीं है। तो वर्डप्रेस करने के लिए आपको सी पैनल पे लॉगिन करना है। अब सी पैनल जो है आपको कोई भी वेब होस्टिंग से लेते हैं तो आपको इस तरह का सी पैनल मिलता है। यहां पर आपको स्क्रोल डाउन करना है और स्क्रोल डाउन करके आपको यहां पे वर्डप्रेस दिखेगा। तो जैसे यहां पे वर्डप्रेस दिखेगा इसको आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। और जैसे यहां पे क्लिक करेंगे तो आप देखते हैं यहां पर जो है आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। फिर यहां पे आपके पास जो भी वर्जन हैं सबसे हायर वर्जन आपको सेलेक्ट कर लेना अगर कुछ वर्जन अवेलेबल हैं। तो मेरे पास यहां पे वर्डप्रेस का 5.4.2 जो है वो अवेलेबल है। अब यहां पे आपको सेलेक्ट करना है इसका जो यूआरएल का कि आपका HTTPS जो कि एक सिक्योर प्रोटोकॉल होता है और दूसरा होता है HTTPS जो कि आपका अनसिक्योर प्रोटोकॉल होता है। तो हमें यहां पे जो है HTTPS वाला सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपका डोमेन, जैसे कि मेरे पास यहां पे क्या है कि मेन डोमेन जो है वो कुछ अलग चल रहा है, मैं सब डोमेन पे करना चाहता हूं तो मैं यहां पर सब डोमेन को सेलेक्ट करूंगा जिस पे मुझे इंस्टॉलेशन करना है। तो मैं यहां पे जो है blog.nirankarinfotech.com पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। फाइनली इन डायरेक्टरी, तो डायरेक्टरी आपको यहां से रिमूव कर देनी है, इसको आपको नहीं रखना है। अब यहां पे साइट का नाम क्या देना चाहते हैं, तो से फॉर एग्जांपल मैं यहां पे देना चाहता हूं टेक ब्लॉग, ठीक है। और यहां पे जो साइट का डिस्क्रिप्शन है अभी मैं सिर्फ यहां पे टेक ब्लॉग ही लिख देता हूं। ये आप चीजें जो है बाद में भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहां पे आपने चेंज करी तो यहां पे लिख दी तो दोबारा चेंज नहीं कर पाएंगे, आप आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। अब इसमें और नीचे जाना तो यहां पे आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड जो है वो बाय डिफॉल्ट एडमिन एंड पासवर्ड आता है। आप इसको चेंज करना चाहते हैं आप इसको चेंज कर सकते हैं, और इसको लेटर ऑन भी चेंज करना, बाद में भी चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूं यहां पे बाय डिफॉल्ट ही इसको जो यूजर नेम पासवर्ड है मैं इसी को रहने देता हूं। और आगे बढ़ते हैं, यहां पे आपको ईमेल आईडी डिफाइन करनी है कि आपका कौन सी ईमेल आईडी है जिसके ऊपर जो है अगर कोई भी यहां पे चेंजेस होते हैं कुछ भी होता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो ये आपको यहां पे ईमेल आईडी डाल देनी है और इसके बाद आपको लैंग्वेज वगैरह सब कुछ ऐसे बाय डिफॉल्ट छोड़ देना है। इसमें से बहुत सारी थीम्स जो है वो आपकी अवेलेबल है, बट मैं आपको यहां पे रिकमेंड करूंगा कुछ नहीं करना है, आपको सीधा इंस्टॉल पे क्लिक करना है। जैसे यहां पे आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो ये आप देख सकते हैं यहां पे आपके सब डोमेन के ऊपर जो है कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के आ गया, दी सॉफ्टवेयर वाज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। बिकॉज ये जो वर्डप्रेस है वो एक सॉफ्टवेयर है तो ये आपकी वेबसाइट पे जो है इंस्टॉल हो चुका है। तो देख सकते हैं पहले जिस लोकेशन पे आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा था, अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो ये देख सकते हैं ये हमारा ब्लॉग जो है यहां पर आ चुका है, ये वर्डप्रेस का जो है हमारे पास आ चुका है। अब अगर इसके बैक पैनल पे जाना है तो हम यहां पे क्लिक करते हैं, यानी कि आपको जो आपका डोमेन है जैसे कि blog.nirankarinfotech.com /, यहां पे wp-admin, ये हमारा यूआरएल बन जाएगा। अभी हमें बार बार सी पैनल पे आने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम डायरेक्टली यहां पर आकर जो है यूजर आईडी पासवर्ड जो हमने डाला था एडमिन और पास और उसके जरिए हम यहां पर लॉगिन कर सकते हैं। तो ये इसका जो है फर्स्ट टाइम में जब आप ब्लॉग को वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं कुछ इस तरह का लेआउट्स वगैरह आपको सारे देखने को मिलते हैं। तो यहां पर आपका देखते हैं ये आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है जिसके अंदर वर्डप्रेस क्या करता है कि बहुत सारी इसके अंदर प्लगइन्स वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, थीम्स इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए रेगुलर जो अपडेट्स आनी होती है वो सारी अपडेट यहां पर आपको मिलती रहती है तो आप आसानी से अपडेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे पोस्ट जो वो लिखने हैं वो हम यहाँ पे पोस्ट लिखेंगे। मीडिया के अंदर आपकी कोई वीडियोज हैं या लाइब्रेरीज हैं
ठीक है, वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम पेजेस क्रिएट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी हमें पेजेस क्रिएट करने हैं, मैं आपको लोगों को आगे चल के दिखाऊंगा। कमेंट्स जो आएंगे वो आप यहाँ पे कमेंट से मैनेज कर सकते हैं। अपीयरेंस से आप उसका वेबसाइट का जो थीम है उसके अंदर जो भी कस्टमाइजेशन करनी है, बैकग्राउंड वगैरह सेट करने हैं, विजेट्स वगैरह सेट करने हैं, या फिर आपको मेन्यू वगैरह क्रिएट करना है, वो सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको जो बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल हैं, आप उनके साथ काम करना चाहते हो, तो यहाँ पे प्लगइन अवेलेबल है तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपका यूजर है राइट, जहां से आप जो है बहुत सारे यूजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके यूजर्स बनेंगे या फिर आप किसी को परमिशन देते हो इस वेबसाइट को पूरा मैनेज करने के लिए, तो वो सारे यूजर प्रोफाइल्स वगैरह आप यहां से मैनेज कर सकते हो। फिर आपके यहां पर टूल आता है जहां से आप जो है अपने डेटाबेस को इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह कर सकते हो, वो भी आगे चल के बताऊंगा। फिर फाइनली आती है आपकी सेटिंग, और सेटिंग से जाके हम बहुत सारी चीजों को सेट कर सकते हैं जो कि हमारी वेबसाइट की ओवरऑल जो है सेटिंग कहलाती है। तो ये सारी चीजें जो है हम मेन फीचर आपके ये होते हैं। इसके बाद जैसे जैसे आप प्लगइन इस्तेमाल करते हो वैसे वैसे ये आपके फीचर जो है वो इंक्रीज होते चले जाते हैं राइट। तो आज जो है मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जो है वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया, और आने वाले वीडियो के अंदर जो है मैं आप लोगों को इस पूरे ब्लॉक को एकदम, अभी तो बिल्कुल भी बेकार सा दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करा क्या नहीं करा, लेकिन इसको जो है एक बहुत बेहतरीन ब्लॉक के अंदर अगर हमें कन्वर्ट करना है तो वो कैसे किया जाता है, तो ये मैं आपको जो है आने वाले वीडियोज के अंदर बताने वाला हूं। तो जिनको ये वीडियो अच्छी लगी है वो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।